खरीफ का सीजन इन दिनों अपने पीक पर है। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में लोग धान की खेती की तैयारी में जुटे हैं। इसी सिलसिले में हमने मऊ जिले के कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता से धान की बेहतर बीजों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मऊ में ज्यादातर लोग संडा विधि से भी खेती करते हैं और संडा लगाने का यह सबसे सही समय है। संडा विधि से धान की खेती करने के लिए हमारे पास कई अच्छे बीज मौजूद हैं। क्योंकि जैसे आप जान रहे हैं, खरीफ का सीजन लगभग पीक पर चल रहा है, और जैसा हमारे जनपद में लोग संडा विधि से भी खेती करते हैं, तो इस वजह से संडा लगाने का बहुत अच्छा समय है। इस समय हमारे बीज गोदामों में CR4 और CR1 प्रजातियाँ हैं। CR4 की काफ़ी मात्रा में मांग भी है यहाँ जनपद को। इसके अलावा BPT5104 और SARNA-51 जो है हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा एक SARJU-52 है, वो भी अब हम मंगाने की उसमें है, यदि हमको मिल जाता है तो उपलब्ध करवाते हैं। ये सारी वैरायटियाँ अच्छी हैं, विशेष रूप से SARNA-51 और BPT5104 और एक आपकी CR4 अच्छी वैरायटियाँ हैं। और संडा के लिए तो CR4 बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और इसको अगर हमारे किसान भाई समय पर लगा देंगे तो जो है इससे काफ़ी मुनाफा मिलेगा। दूसरा चीज़ ये कि बाहर से जैसे बीज किसान भाई हमारे लेने जाते हैं, तो हाइब्रिड बीज जैसे 250-300 रुपये प्रति किलोग्राम का मिलता है, उसके अपेक्षा हमारे यहाँ जो है आधे दामों में बीज उपलब्ध होता है। इस बार एट सोर्स पॉस के माध्यम से इस बार जो है बीजों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें किसान भाई हमारा पॉस मशीन पे अंगूठा लगाते हैं और आधे दाम पर जो उसका एक्चुअल मूल है उसका आधे दाम पर उनको बीज उपलब्ध हो जाता तो है। बीज है सर, क्या इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है? जैसे CR4 है उसमें तो 4 से 5 पानी लगता है, लेकिन और अन्य वैरायटियाँ थोड़े ज़्यादा लगते हैं, 5-6 किलो फल लग जाता है पानी। हाँ, कितना ड्यूरेशन है वो, कितना दिन उसका तैयार होने का लगता है? तैयार होने में देखिए, ये सब मध्यम ड्यूरेशन की जो भी वरायटियाँ हैं, 25 से 125 से 135 दिन में ज़्यादातर वरायटियाँ तैयार हो जाती हैं, और इनका उत्पादन भी ठीक ठाक है जनपद में। कितने है सर, किसान लेना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? किसान लेना चाहे तो हमारे बीज भंडार पर जा करके हमारे बीज गोदाम प्रभारी को ना पॉस लगाएंगे अपना, यदि उनका पॉस जो है पहले से पंजीकृत है और पास 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 में अंगूठा लगाएंगे, तो उसमें से डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं? में आधार और खतौनी वही रहती है, लेकिन अब इस बार आधार पास से ही, चूंकि आधार खतौनी सब अपडेट की जा चुकी है, इसलिए जो है पास मशीन पे अंगूठा लगाने से, यदि यहाँ पहले से अपडेटेड है, खास करके जो PM किसान के लाभार्थी हैं वो ऑलरेडी अपडेटेड हैं, लेकिन कुछ और किसान भी उसमें अपडेटेड हैं,